स्टूडेंट टुडे आवर टॉपिक इज रिफ्रैक्शन बाय थिन लेंसेज पतले लेंस द्वारा अपवर्तन। यहाँ पर आपके सामने एक डायग्राम में हमने एक ट्रांसपेरेंट लेंस जो है वो एक थिन लेंस यहाँ शो किया है। थिन लेंस जो है उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा इसका साइज आपको बड़ा दिखाया गया है। वैसे हम इस डेरिवेशन में थिन लेंसेज की बात कर रहे हैं जो काफ़ी पतले होंगे। इस लेंस के दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं, अगर आप देख पा रहे हैं तो एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो है अगर इस पर कोई रे इंसिडेंट होगी तो उसका जो रिफ्रैक्शन है वो दो सरफेसेस करेंगे, एक ये वाला सरफेस करेगा एक ये वाला सरफेस करेगा। इसको आप मैं थोड़ा और आपको एक डायग्राम के द्वारा बताता हूँ। ये देखिए ये फाइनल डायग्राम जो है वो इस तरह से बनेगा। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से रे आएगी और इस थिन लेंस पे पड़ने के बाद इसका रिफ्रैक्शन होगा। इसकी दो इमेजेस हमने आई डैश और आई बनाई है। क्यों है? क्योंकि ये दोनों सरफेस जो हैं इसके रिफ्रैक्ट करेंगे, एक दिस वन एंड दिस वन। थोड़ा मैं इसको आपको इस डायग्राम को समझाने के लिए इसका लेंस का एक आपको डायग्राम और बताता हूँ। इस लेंस को हम दो पोर्शन में देखिए, आप एक तो इसका ये कर्व्ड पोर्शन है जो कि रिफ्रैक्टिंग सरफेस का काम करेगा, इसको हम सरफेस नंबर वन बोलेंगे, और एक इसका ये सरफेस है सेकंड नंबर। इन दोनों को मिलके ये लेंस बना है। तो एक ये सेकंड सरफेस ये भी रिफ्रैक्ट करेगा। फर्स्ट सरफेस ये वाला जिसकी मैं बात कर रहा हूँ अभी, ये सरफेस रिफ्रैक्ट करेगा तो आई डैश इमेज फॉर्म करेगा, और फिर उसके बाद दूसरा सरफेस ये है, ये जब रिफ्रैक्ट करेगा तो आई डैश इसके लिए इंसिडेंट रे होगी और इसका इमेज फॉर्मेशन यहाँ आई पर होगा, तो फाइनल इमेज हमें आई पे मिलेगी। आई डैश की डिस्टेंस को हम वी वन मानेंगे और फाइनल इमेज की डिस्टेंस को वी, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट इस तरफ रखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में, इसकी डिस्टेंस को हम यू मानेंगे। R1 एंड R2 आपको पता है इन दोनों, ये दो स्पीयर्स के पार्ट हैं, ये एक स्पीयर का पार्ट है और ये भी एक स्पीयर का पार्ट है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, उनकी रेडियस हैं। N1 एंड N2 मीडियम है, इसका जो मीडियम है इसको हमने अंदर वाले मीडियम को N2 नाम दिया है और बाहर वाले मीडियम का नाम हमने मीडियम N1 रखा है। इसके अंदर ये ग्लास हो सकता है या कोई और मीडियम भी हो सकता है। तो ये अंदर का जो मीडियम है ये है N2 और ये बाहर के जो दोनों मीडियम हैं ये दोनों ही N1 हैं। तो यहाँ पर ये वाला मीडियम ये दोनों मीडियम N1 हुए और अंदर का मीडियम ये वाला N2 हुआ। तो ये डायग्राम आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अब हम डेरिवेशन को किस तरह से करेंगे, बड़ा हम इजी 3 स्टेप में इस डेरिवेशन को कंप्लीट करेंगे। आप समझिए कि हम कैसे रिफ्रैक्शन बाय थिन लेंसेज को करते हैं, पतले लेंस से अपवर्तन को कैसे किया जाता है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम फर्स्ट सरफेस से रिफ्रैक्टिंग कैसे हो रही है, फर्स्ट सरफेस कैसे अपवर्तन करता है उसको हम समझते हैं, जिसको हम सरफेस नंबर वन नाम दे रहे हैं। इस पे ऑब्जेक्ट, यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट से जो है वो रे इस इंटरफेरिंग फेसिंग सरफेस पे इंसिडेंट होगी और इंसिडेंट होने के बाद ये देखिए वो नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी, तो नॉर्मल इसका यहाँ कहीं आने वाला है, इस नॉर्मल की तरफ ये बैंड हुई और ये यहाँ पर जाके इमेज फॉर्मेशन आई डैश करेगी और इस इमेज की डिस्टेंस आपको पता है वी वन होती है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यू होती है। तो हम पहले देख रहे हैं कि रिफ्रैक्शन इक्वेशन ड्यू टू स्फेरिकल सरफेस क्या होती है। कोई भी स्फेरिकल सरफेस जो रिफ्रैक्शन करता है, अपवर्तन करता है, उसके लिए हमने एक इक्वेशन पहले, इससे पहले वाले डेरिवेशन में आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं, उसमें हमने एक डेरिवेशन ड्राइव की है इक्वेशन। वो इक्वेशन इस तरह से कुछ है, N2 अपॉन में V माइनस N1 अपॉन U, N2 माइनस N1 अपॉन में R। ये जो इक्वेशन है इसमें V जो है इमेज की डिस्टेंस होती है, U होती है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, N2 होता है सेकेंड मीडियम, N1 होता है फर्स्ट मीडियम, R होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर वक्रता त्रिज्या। ये हम पहले कर चुके हैं लास्ट डेरिवेशन में, आप उसे देख सकते हैं समझने के लिए। अब यहाँ पर हम इस सरफेस की बात कर रहे हैं,
इस सरफेस के द्वारा इस इक्वेशन को अगर हम लिखना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं इस सरफेस के लिए, फॉर सरफेस ए पी बी, ए पी वन बी, हमने इस सरफेस का कोई नाम दे देते हैं हम इसका ए पी वन एंड बी, इनके पॉइंट्स के नाम देते हैं, पहले इसको लिख देते हैं कैसा आ रहा है ये मैं अब आपको इनके, अगर हम इस सरफेस का कोई पर्टिकुलर नाम दे दिए, हम इस सरफेस को ए पी वन एंड बी अगर ये नाम देते हैं तो देखिए यहाँ से सरफेस ए पी वन में एन वन से रे आएगी, ये जो मीडियम है ये मीडियम है एन वन, और ये जो मीडियम रिफ्रैक्ट कर रहा है ये मीडियम आपको मैंने बताया था इंटरनल मीडियम जो है ये एन टू है, तो एन वन से रे आती है और एन टू से रिफ्रैक्ट होती है इसके लिए, तो इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगी एन टू अपॉन वी वन, इस इक्वेशन से कंपेरिजन करेंगे तो यहाँ पर v की जगह पर हमने क्या लिया v1, क्योंकि यहाँ पर हम इमेज फॉर्मेशन का डिस्टेंस जो कैलकुलेट कर रहे हैं मान रहे हैं उसे हम v1 ले रहे हैं, माइनस n1 अपॉन u, ये सेम है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, इक्वल टू n2 माइनस n1, n2 माइनस n1, r की जगह पर हम लेंगे r1, जो कि अगर मान लो ये पूरा स्पीयर होता तो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, यानी इसका कहीं यहाँ पर सेंटर होता और ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होता तो हम वो डिस्टेंस ये r1, तो यह आई हमारे पास इक्वेशन नंबर वन। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये जो रे रिफ्रैक्ट हुई है इमेज आई डैश पे फॉर्म की है, ये रे सेकंड मीडियम के लिए इंसिडेंट रे बनने वाली है, समझते हैं हमसे, अब ये सेकंड जो मीडियम सेकंड जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है उसको लिया हमने, लेंस का जो पार्ट है ये वाला इसको हमने लिया, इस सरफेस के लिए ये जो रे आई डैश है जो अपने हमने इमेज बनी थी जो, वो अब इंसिडेंट रे का काम करेगी, वो अब ये देखिए यहाँ पर इसके लिए इस सरफेस पे यहाँ पर ये इंसिडेंट हो रही है, इसको बैक ट्रेस करें देखिए ये जो छोटा सा पोर्शन आपको नज़र आ रहा है ये इस सरफेस पे पहुँचने पर एज ए इंसिडेंट रे वर्क करने लगी, तो अब ये इंसिडेंट रे का वर्क करेगी और जो हमारे को फाइनल इमेज बनेगी ये इसको रिफ्रैक्ट करके अब और इसको बैंड कर देगा और नॉर्मल की तरफ मोड़ देगा और ये फाइनल इमेज हमारे को इस ये जो आपको नज़र आ रहा है इस तरह से फाइनल इमेज यहाँ फॉर्म होगी, इनके हम अगर नाम लिखना चाहें तो ये आई फाइनल इमेज का नाम, ये आई डैश जो इस पहले इमेज फॉर्मेशन इस वाले सरफेस ने की थी, इनके डिस्टेंसेस को हम इसको तो वी वन ही लिया हुआ है हमने, इसको हम वी मान लेते हैं कि फाइनल इमेज की डिस्टेंस जो है वो वी है, अब इसके लिए सरफेस का नाम दे दिया हमने ए पी टू बी, अब इस सरफेस का हमने नाम दिया ए पी टू बी और रे जो है एन टू से आती है, अब की बार एन टू से आएगी, देखिए रे कहाँ से आ रही है, रे एन टू से, ये देखो इंसिडेंट मीडियम इसका कौन सा है इस वक्त, ये मीडियम कहाँ से आ रही है ये देखिए एन टू अंदर से, इसको ये रे है, ये जो पीछे बैक पोर्शन दिख रहा है आपको टेल दिख रही है ये इसके लिए इंसिडेंट रे होगी, ये जो टेल है तो ये कहाँ से आ रही है, ये एन टू से आ रही है और इसको रिफ्रैक्ट कर कौन सा सरफेस कर रहा है, अब ये कहाँ निकल रही है बाहर, ये एन वन में बाहर निकल रही है, ओके एन वन में बाहर निकल रही है तो इसके लिए रिफ्रैक्टिंग सरफेस अब कौन हो चुका है एन वन, तो एन टू से ये आ रही है इंसिडेंट हो रही है और एन वन में इसका इंसिडेंट सरफेस रिफ्रैक्टिंग सरफेस एन टू हुआ, क्लियर। इसके लिए इक्वेशन ये आ गई है एन वन, इस इक्वेशन को अभी समझते हैं हम सबसे पहले इनका नाम दे देते हैं, ये फिर से हमने इसका नाम ये देखो ए पोर्शन, ये बी तो ऊपर वाले का पोर्शन ए पी वन बी था, इसका नाम हुआ ए, ये पॉइंट है कुछ पी टू और ये पॉइंट है फिर से बी, ओके तो ए पी टू बी, ये सरफेस है ए पी टू बी जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस का वर्क कर रहा है, ओके ए पी टू बी रिफ्रैक्टिंग सरफेस का वर्क कर रहा है। अब आप देखें इसके अंदर ए पी टू बी के लिए देखें कि रे कौन सा मीडियम है, ये मीडियम एन टू है आपको मैं बता चुका हूँ और बाहर वाला मीडियम है एन वन, तो अब की बार एन टू से एन वन, क्योंकि ये इंसिडेंट रे है, देखो जो मैं एरो से ये आपको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये इंसिडेंट रे हुई और ये रिफ्रैक्टिंग रे हो गई इसकी, तो एन टू से एन वन में हो रहा है, अब ये एन टू से एन वन में जा रही है, तो इसके लिए अब ये जो फॉर्मूला है ये जो इक्वेशन है ये वाली, इसको मैं डबल टिक कर रहा हूँ दोबारा से,
ये इक्वेशन जो है रिफ्रैक्टिंग इक्वेशन ड्यू टू स्फेरिकल सरफेस जो है वो कैसे यूज़ करेंगे, उसको उसका जो है अब क्या नया फॉर्म हो जाएगा, क्या नया रूप हो जाएगा। देखिए एन वन एन टू की जगह पर क्या आएगा, एन वन, क्योंकि ये इक्वेशन होती थी जब एन वन से एन टू में जाती थी, जब एन वन से एन टू में जाती थी। लेकिन अब हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास एन टू से रे एन वन में आ रही है, तो ये इक्वेशन में आपस के अंदर ये टर्म्स बदल जाएंगी, जहाँ एन टू है वहाँ एन वन आ जाएगा। तो देखो एन टू की जगह आ गया एन वन, वी की जगह पर वी, क्योंकि फाइनल इमेज वी पर ही बन रही है, इसमें भी हम ये मान रहे हैं कि वी पर ही बन रही है, माइनस एन टू, यहाँ है एन वन, इसको हमें बदलना है क्योंकि देखो ये चेंज हो रहा है, तो यहाँ आ जाएगा एन टू। और ऑब्जेक्ट यू नहीं है इसके लिए, ये जो ऑब्जेक्ट यू होता है इस इक्वेशन में, यू ऑब्जेक्ट होता है, तो हमारा ऑब्जेक्ट अब कौन है, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट हमारा अब की बार वी वन है, तो यहाँ क्या आएगा, वी वन इज इक्वल टू एन वन माइनस एन टू, यहाँ तो है एन टू माइनस एन वन, लेकिन क्योंकि ये रे अब एन वन से एन टू नहीं जा रही है, एन टू से एन वन जा रही है, तो ये भी टर्म्स आपस में बदल जाएंगी, एन वन माइनस एन टू अपॉन में रेडियस ऑफ कर्वेचर, अब की बार इस वाले पार्ट की और इस वाले पार्ट की रेडियस ऑफ कर्वेचर हमने ऐसा मान लिया कि ये है आर आर टू, इसको हम आर टू मान रहे हैं, ओके। अब अगर ये थिन लेंस है, अगर ये कैसा लेंस है, थिन लेंस है, तो हम P1, P2 को वेरी क्लोज मान के उसको ऑलमोस्ट डिस्टेंस को हम इक्वल ही मान लेते हैं, क्लोज मान लेते हैं उनको, ओके। तो ये फाइनल डायग्राम हमारे सामने इस तरह से आ गया, ये हमारा फाइनल डायग्राम है, आप देख सकते हैं इसके अंदर, ये हमारा फाइनल डायग्राम जो आपको नज़र आ रहा है ये आ चुका है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये इमेज फॉर्मेशन आई पर हो रहा है, आई डैश पहले वाले रिफ्रैक्टिंग सरफेस के कारण, आई दूसरे वाले रिफ्रैक्टिंग सरफेस के कारण। अब दोनों को हमने ऐड अप किया, दोनों को हमने क्या किया, इक्वेशन वन एंड टू को अगर ऐड अप किया तो देखिए कौन सी टर्म कैंसिल हो रही है, ये वाली n2 अपॉन v1 वाली टर्म कैंसिल हुई और हमारे पास ये हमारा फाइनल रिजल्ट आया, n1 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u, n2 माइनस n1, n2 माइनस n1 ब्रैकेट में 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, ओके। यहाँ से देखिए हमने अगर यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे आप इस वाले में, इक्वेशन नंबर टू में माइनस कॉमन लेंगे तो R2 माइनस का हो जाएगा नीचे वाला और ये हो जाएगा N2 माइनस N1 दोनों में आ गया, कॉमन लिया R1 तो फिर 1 अपॉन R1 तो प्लस का ही आएगा, लेकिन जोड़ेंगे ऐड करेंगे तो ये 1 अपॉन R2 माइनस का यहाँ पर हमें मिलेगा। तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन आई, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, यहाँ से हमने N1 को कॉमन लिया लेफ्ट हैंड साइड से और कॉमन ले जाके उसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ इसके अंदर डिवाइड में ले लिया, तो हमारे पास 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू N2 माइनस N1 अपॉन N1, यहाँ आया 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, क्लियर। अब हम इसको फाइनली इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 1 अपॉन F, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू को लेंस फार्मूला है, दिस इज 1 अपॉन F, ये लेंस फार्मूला होता है 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन F, तो इसको हमने लिखा 1 अपॉन F इज इक्वल टू यहाँ सेपरेट डिवाइड किया N2 अपॉन N1 माइनस 1 और ये रिजल्ट, ये हमारा फाइनल रिजल्ट है, इसे इसे हम लेंस मेकर फार्मूला भी कहते हैं, ये हमारा लेंस मेकर फार्मूला भी कहलाता है। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जाता है, ड्राइव द लेंस मेकर फार्मूला फॉर द थिन लेंसेज, ओके। मेरे ख्याल से आपको ये पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा, इसके अंदर टेक्निकल थोड़ा सा एक दो चीज़ें समझने और याद रखने की हैं, आपको ये क्लियर हो गई होगी वीडियो में, हम नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।